नमस्कार, मैं सुरेश गोड़ स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ट्रिपल एस एम बी टैरो पर। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए लव रीडिंग करेंगे, जो 27 फरवरी से 5 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं ये सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती। तो फ्रेंड्स, जितनी जिस पर रेजोनेट होती है उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो वर्गों के पर्सन हैं वो वर्गों के लिए क्या फील करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर हम देखेंगे कि वर्गों अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रखते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, और फिर इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहने वाला है। तो ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर वर्गों अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स, तो ये कप्स का कार्ड हमें बता रहा है कि इस रिश्ते में वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, इसको शेयर करना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा इमोशंस में ना बहा जाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए और उसके साथ वो प्यार देना चाहते हैं और उसके बदले प्यार पाना चाहते हैं। वो क्लियरिटी और सच्चाई के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में महसूस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि वर्गों को चाहिए कि वो इस रिश्ते में ज़्यादा इमोशंस में ना बहें, वो दूसरे की भावनाओं को सोचें, उनकी कद्र करें, उनकी इज्जत करें और प्यार के बदले प्यार दें और दूसरे को प्यार दें और उसके बदले में प्यार पाएं। तो वो इसमें एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक क्लियरिटी चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। द टावर, वो इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि जो इस रिश्ते में अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, जो सडन चेंज हो रहा है, उनको लग रहा है कि ये रिश्ता वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अचानक से सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, टूट फूट रहा है, जो वो चीज़ें, वो लोग, वो रिश्ते नहीं रहे हैं जो इसमें पहले होते थे। तो लेकिन वो सोच रहे हैं कि फिर भी इसमें थोड़ा सा जो वर्गों के पर्सन है वो वर्गों के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में जो चेंज आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, थोड़ा सा समय के साथ उनको एक्सेप्ट करें और समझदारी के साथ इसमें एक्शन लें। इसमें जो हो सकता है कि जो उनकी कुंडलिनी जागृत हो रही है या जो उनके चक्राज हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो जो अनएक्सपेक्टेड चेंज हो रहे हैं उनको समझदारी के साथ काम लें, उसमें समय के साथ आगे चलें। हो सकता है कि दुख के बाद इसमें या जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, वो आगे जाकर खुशी में कन्वर्ट हो, तो वो चाहते हैं कि इसमें समझदारी के साथ आगे बढ़ा जाए। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देख लेते हैं कि ये द टावर का कार्ड इसमें क्यों आया है, इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करके देख लेते हैं टावर को कि वो इसमें क्या चाहते हैं, एक्चुअली वो इसमें क्या चाह रहे हैं। थोड़ा सा टावर के कार्ड को हम इसमें क्लेरिफाई करके देख लेते हैं। वो थोड़ा सा इसमें एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में थोड़ा सा बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं। वो जो वर्गों के पर्सन है वो इस रिश्ते में थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता जब से बना है इसमें बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूजन, काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, काफ़ी चेंजेस महसूस कर रहे हैं। तो वो क्लियरिटी के साथ वो चाह रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा समझदारी के साथ इसमें काम लेने की ज़रूरत है। इसमें ओवर थिंकिंग ना की जाए, जो बदला बदलने दें, जो घट रहा है घटने दें, जो हो रहा है उसे होने दें और उस सिचुएशन को संभालें, उसके साथ चलें और एक समझदारी के साथ इसमें एक्शन लें। और अगर वो
इसमें समझदारी दिखाते हैं और थोड़ा सा इस समय को जो ये नेगेटिव सिचुएशन चल रही है अगर उसको थोड़ा सा हैंडल कर लेते हैं तो आगे जाकर ये इस रिश्ते में हो सकता है कि दोबारा से ये एक काफ़ी ये अच्छा जा सकता है, काफ़ी इसमें अच्छे चेंज आ सकते हैं। तो देखते हैं कि जो वर्गो है वो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, वर्गो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। द स्टार, वर्गो अपने पर्सन के लिए चाह रहे हैं कि वो सबसे पहले इसमें हीलिंग करें, या फिर वो खुद अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन प्रेयर चाहते हैं, वो इसमें थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, एक क्लियरिटी चाहते हैं, वो सोच रहे हैं, वो फील कर रहे हैं। अगर जब तक ये रिश्ता, ये सिचुएशन हील नहीं हो जाती, जब तक इन जो ये टूट फूट रहा है, जो ख़त्म हो रहा है, जब तक इन परेशानियों से बाहर नहीं निकला जाता, इस सिचुएशन को संभाला नहीं जाता, हीलिंग के बिना, मेडिटेशन के बिना, प्रेयर के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो वो सोच रहे हैं, वो फील कर रहे हैं कि चाहे इसमें स्पेस लें, थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन सबसे पहले डीप वाली हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, और उसके बाद इसमें एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करें। और अगर वो ऐसा और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये रिश्ता काफ़ी अच्छा जा सकता है, काफ़ी स्टारिंग हो सकता है, काफ़ी सक्सेस हो सकता है, तो वो इसमें डीप फीलिंग करना चाहते हैं, अपने आप को स्पेस देना चाहते हैं, अपने आप को, या फिर वो उनके लिए महसूस कर रहे हैं कि वो इसमें डीप फीलिंग करें, अपने आप को स्पेस दें और थोड़ा सा टाइम लें, और चीज़ों को हील करने के बाद जो चीज़ें खराब हो गई हैं, जो पनौती दिखा रही हैं, जो ओवर थिंकिंग इसमें हो रही है, उन चीज़ों से, उन भावनाओं से बाहर निकलें। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो वो इसमें क्या चाहते हैं, वो इस रिश्ते में एक सही समय आने का इंतज़ार करना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि अभी ये समय सही नहीं चल रहा है, ये वक्त सही नहीं है, अभी सही वो चीज़ों को फ्रूटफुल होने का, सही समय आने का इंतज़ार करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए वो इस सिचुएशन में आगे नहीं जाना चाहते, वो रुकना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, और वो चाह रहे हैं कि जब तक ये सिचुएशन सही नहीं हो जाती, जब तक ये जो टूट फूट रहा है, जो चेंज हो रहा है, जो बदलाव आ रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो जाते और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत नहीं हो जाती, तब तक इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जब तक इसमें वेट करना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, जब तक ये रिश्ता फ्रूटफुल नहीं हो जाता है, सक्सेस नहीं हो जाता है, उनको ये रिश्ता ये नहीं लगता है कि ये रिश्ता कामयाब हो सकता है। तो एक सही समय आने का, उचित समय आने का इंतज़ार करना चाहिए, या हो सकता है कि वो सबसे पहले चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी हो, इसमें पैसा कमाया जाए, धन कमाया जाए, जो टूर जिस जरिए से भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, वो चाह रहे हैं कि पहले इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए और सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसके साथ इसमें एक्शन लिया जाए। तो वो अभी रुकना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, वो एक सही समय का, उचित समय आने का इसमें इंतज़ार चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं। तो इस रिश्ते का आउटकम क्या रह सकता है, इस सिचुएशन का। एस ऑफ कप्स, तो इसमें एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है, समय के साथ चलने की ज़रूरत है, इसमें ओवर फ्लो ना करें, चीज़ों को भारी भरकम ना होने दें, चीज़ों को आसान बनाएं, और जो दुविधाएं, जो परेशानियां आ गई थी उनको ख़त्म करके इसमें एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। अगर इसमें एक शुरुआत हो जाती है तो ये रिश्ता काफ़ी आगे जाकर धीरे धीरे करके सक्सेस हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो उन इसमें दोनों को ही समझना चाहिए कि एक बिगनिंग, इसमें ब्रांड न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, एक शुरुआत करनी चाहिए, और रिश्ते को आगे करना चाहिए, और समय के साथ बहना चाहिए, फ्लो के साथ उनको बहने की ज़रूरत है, सिचुएशन को संभालने की ज़रूरत है। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो इस रिश्ते में एक नई खुशी आ सकती है, ये सक्सेस मिल सकती है, ये रिश्ता कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।